नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो कंपनीज की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। पहली जो कंपनी आपका विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड है और दूसरी जो कंपनी रहेगी आपका UPSPL इंटीग्रेटेड सर्विस। तो दोनों कंपनी के बारे में जो अभी वैकेंसीज आई है पूरी डिटेल्स बात करेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। और क्वालिफिकेशन के बात करें तो इसमें ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई करेंगे और इसमें वर्क इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आप बैठे इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, दोस्तों इस वीडियो में दो कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है। दोनों नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल्स बात करेंगे। तो बिना स्किप किए आपको एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपका विराज प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है और इसमें जो वैकेंसीज हैं आपका फिटर के लिए रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो फिटर MMD के लिए है। तो आपने अगर ITI फिटर ट्रेड से कर रखे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की अब बात करें तो देखिए मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपको फिटर ट्रेड से रहना चाहिए। तो आपने अगर ITI फिटर ट्रेड से किए हैं और कोई भी कंपनी में आपने 3 साल अपने ट्रेड के अनुसार से वर्किंग किए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अप्लाई करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए आपको HR का एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, इसी ईमेल एड्रेस पर अपना जो CV को सेंड कर देना है। उसके बावजूद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी दिया गया, आप इनके दिए गगए व्हाट्सअप नंबर पर भी अपना CV बायोडाटा वगैरह सेंड कर सकते हो। और इस वैकेंसीज के बारे में और जानकारी अगर चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके भी आप बात कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट ITI फिटर ट्रेड से किए हैं आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आप डायरेक्टली इनके दिए गए HR के ईमेल एड्रेस पर भी जो है अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो या इनके व्हाट्सअप नंबर पर भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आया है उसके बारे में। तो इस कंपनी का जो नेम है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, UPSPL इंटीग्रेटेड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और इसमें बहुत तरह की पोस्ट है। और इसमें देख सकते हैं ओनली कैंडिडेट विद मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। तो जो कैंडिडेट ITI डिप्लोमा BBTEC किए हैं और आपके पास मेंटेनेंस रिलेटेड सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपको किस किस एरियाज किस किस फील्ड में होना चाहिए ये यहाँ पर मेंशन ही है। जैसे देख सकते हो वेल्डिंग हो गया, बॉडी शॉप मेंटेनेंस वगैरह हो गया, इसके अलावा स्पॉट वेल्डिंग हो गया, PLC ट्रबल शूटिंग एंड प्रोग्रामिंग वगैरह हो गया। तो इससे रिलेटेड आपको वर्क वगैरह आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट एंड प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो गया, सर्वो स्पॉट वेल्डिंग हो गया जिसमें MIG टीग हो गया, आर्क वेल्डिंग हो गया, PLC एलन ब्रेडली एंड सीमेंस ट्रबल शूटिंग हो गया, MTBF और इंक्रेज एंड MTTR रिड्यूस ट्रक काइजन हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोलॉजी हो गया, रूट कुका केसेस एनालिसिस हो गया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर फील्ड दिया है, इससे रिलेटेड आपको वर्किंग वगैरह आना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें किस किस पोस्ट के लिए ओपन पोजीशन आपको रखा गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए, तो इसमें आपने ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किए हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है मेंटेनेंस फील्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद है मैकेनिकल टेक्नीशियन, जिसमें आपका फिटर आ जाता है, टर्नर मशीनिस्ट आ जाता है, वेल्डिंग वगैरह आ जाता है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद PLC टेक एंड इंजीनियर के लिए, तो इसमें आपका BBTEC और डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल वगैरह आपको रहना चाहिए। उसके बाद रोबोटिक इंजीनियर कुका के लिए, इसमें भी आपका BBTEC और डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या मैकेनिकल वगैरह से किए हैं तो आप जो है इंजीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए टीम लीडर के लिए भी है, तो इसके लिए भी आपका BBTEC वगैरह होना चाहिए टीम लीडर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दो प्रोसेस दिया गया है। सबसे पहला तो यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, डायरेक्टली इनके कॉन्टैक्ट नंबर से आप जो है फ़ोन करके बात कर सकते हो या दिए गए व्हाट्सएप यहाँ पर जो है अपने CV बायोडाटा वगैरह को जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना जो है सेंड कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस क्या दिया है, इनका एक HR का ईमेल एड्रेस दिया गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। इस ईमेल एड्रेस पर अपना CV या बायोडाटा को सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से अप्लाई करने का दो प्रोसेस है, जो भी आपको इजी लगे आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी इनकी जॉब प्रोफाइल्स रहती है। तो दोनों वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको पहले जो है बता दिया, फिर भी कोई डाउट हो रह जाती है इस वैकेंसीज के रिलेटेड तो आप अपने कमेंट दिए गए कमेंट बॉक्स पर कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें बता दिया।